एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग, हर पाकिस्तानी जेब में माचिस डाल के फिर रहा है, लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेस अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेस अवे। एग्जैक्टली, 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर्जे, सो मेनी सिमिलैरिटीज। लेकिन अफसोस के साथ है कि किसी चैनल ने उसका कंपैरिजन नहीं किया जो हमारे बच्चे 18 से 24 साल के 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त सोशल मीडिया पे दमादम मस्कर कर रहे हैं उनको। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा है, यहाँ पर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन साजिद तरार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत जल्दी श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। और यहाँ पर मेजर गौरव आर्य भी बैठे हुए हैं और उन्होंने एक बात बोली है कि पाकिस्तान में अगर पिछले 3-4 साल में कोई सेंसिबल बंदा लगा है तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा लगे हैं, ऐसा मेजर गौरव आर्य ने बोला। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हालात पर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सफाई भी, नंबर वन है इसके बाद। दूसरा उसमें ये जो कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरीके से हैं कि फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन का दौरा है उसकी भी एक मेन रीजन यही है कि इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अपनी स्पीच जो की उन्होंने, उसमें कहा है द कंट्री इज नॉट इन द ICU, कंट्री इज ऑन द वेंटिलेटर। सो बड़े सीरियस वर्ड्स हैं ये। और बिलखसूस मैं हमेशा एक चीज करता रहा हूं, मैंने कल परसों भी एक जगह पे एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग, हर पाकिस्तानी जेब में माचिस डाल के फिर रहा है, लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेस अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेस अवे। एग्जैक्टली, 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर्जे, सो मेनी सिमिलैरिटीज। लेकिन अफसोस के साथ है कि किसी चैनल ने उसका कंपैरिजन नहीं किया जो हमारे बच्चे 18 से 24 साल के 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त सोशल मीडिया पे दमादम मस्कर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पड़ोस में पक क्या रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया आप किस नजर से देख रही है सारी सूरत हाल को, सूरत हाल ये है कि मैं आपका बॉर्डर अगर भारत चाइना अफगानिस्तान के साथ ना होता तो कोई तवज्जो ना देता। भूटान भी है, भूटान को कोई नहीं जानता, नेपाल को कोई नहीं जानता। दूसरी आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इस्लामिक एटॉमिक पावर है, आप दुनिया का एक कंसर्न है, पूरे रीजन का एक कंसर्न है कि आप अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, आप अगर सियासी क्राइसिस से गुजरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस वक्त कंसर्न, आप भी यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए इंडिया वुड लाइक, इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था ये खान साहब ने बंद करा था, इंडिया ने, इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ, जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है, हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी, या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो बाकी सब चीजें मत लो, ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग, बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डाइसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को,
उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहाँ पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं थिंक टैंक से, उन्होंने डिसेक करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है। एंड जनरल कमर जावेद बाजवा इज द कमांडर ऑफ एन एनिमी आर्मी एंड जनरल मनोज पांडे इज द कमांडर ऑफ द एनिमी आर्मी फॉर यू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जनरल बाजवा है हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस, हु इज टॉकिंग लाइक अ स्टेट्समैन। बाकी ये मुझे कहना नहीं चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, बट बाकी लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे गली मोहल्ले की। अभी मैंने शहबाज गिल साहब का एक वीडियो देखा है कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध। यार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, आप बहुत सीनियर हो, आप मतलब यू आर वेरी सीनियर पर्सन, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो बिल्कुल एक जानवर के साथ इक्वेट कर रहे हैं यू नो ऑपोजिशन पर या जो रूलिंग। ऐसा नहीं है, आपको बात करें, आपके खिलाफ हो सकते हैं, पर ये गाली गलौज ज्यादात पे आना, किसी को ऐसे बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो मैंने देखा है चीमा साहब, आई विल कट इट शॉर्ट, जो मैंने देखा है, मैंने भी जो 3-4 साल से एनालाइज करा है, राइट, मुझे जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो स्टेट्समैनशिप दिखाई दी है पाकिस्तान में, दैट इज ओनली 1%, दैट इज जनरल बाजवा, और ना मैंने इस तरफ की देखी ना मैंने उस तरफ की देखी, ये सच है। बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सप्लीमेंट करूं तारड़ साहब, बैक इन 2019 I had an opportunity जहां पे जनरल बाजवा बात कर रहे थे और वहां पे बाय द वे सारे पाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर बैठे हुए थे और मैं भी वहां बैठा हुआ था, और वहां पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, और जब से फौज ने थोड़ा इकोनॉमी पे बात करना शुरू की कि जी हमें इन चीजों को देखना है, तो तारड़ साहब मैं उस बैठक में बैठा था जो कि 4-1 घंटे की बैठक थी, जनरल बाजवा वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं भी उनके पीछे बैठा हुआ था। मेजर साहब दिस इज, आपने जो बात की बिल्कुल इसी तरह, एंड टू बी फ्रैंक इनफ, उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया, और ये मैंने खुद सुना है, मैंने सुना है। लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया गया दिस इज गुड, उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें इसके ऊपर। तारड़ साहब सवाल यहां पर आपसे शुरू होता है, इंडिया ने तो गेज कर लिया, मामलात फिर कहां पे खराब है? अगर इंडिया बात करना चाह रहा था, जनरल बाजवा नॉर्मली हमारे कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रुकावट डाल दी, आप क्या समझते हैं इमरान खान का पॉलिटिकल एक्यूमेन कम है? उन्होंने डेलिब्रेटली पॉपुलिस्ट नारे लगाए हैं, जिस तरह के वो आजकल कह रहे हैं इंडिया पे, आए रोज एक ट्वीट दाग दी, ठीक है, RSS हिंदू आइडियोलॉजी फला 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 कर दिया, जिसकी वजह से मामलात खराब हो गए, या क्या आप ये समझते हैं तारड़ साहब के मुल्क के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ा कर दिया गया है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बार बार बलोचिस्तान अफगानिस्तान इस तरह चीजें बात करके इंटरनल नफरत इतनी फैला दी गई है कि आप अगर आज बात करना भी चाहते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है? और खास तौर पे मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया माजरा चाहता हूँ, मैं थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा था कि सुनने में आता है कि इमरान खान अकेले भी बात नहीं कर सकते, इमरान खान जो है वो रुकावट थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इमरान खान रुकावट थे, क्यों मामला आगे नहीं चल सके, आप इसमें जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा तार साहब। देखें सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा मेजर साहब की बात से कि वाकई। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तान के साजिद तरार ने जो बात बोली है कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्दी श्रीलंका जैसे बन सकते हैं। श्रीलंका में आपने देखा कि हालात क्या हुए, एक ही परिवार जो कि कई सालों से सत्ता में था, उन्हीं का कभी बाप कहीं रिश्तेदार कहीं चाचा कहीं ये, मतलब हर पोस्ट में वही था। अब हुआ क्या है कि श्रीलंका में उस परिवार की वजह से इतना ज़्यादा करप्शन, और श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व है वो आप देख सकते हो जाकर क्या हालात है, और श्रीलंका की क्या हालत है वहाँ पर किस तरीके से, मतलब पेट्रोल तो कोई कह रहा था कि भारत से सस्ता श्रीलंका में पेट्रोल है, लेकिन श्रीलंका में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, आपको ये पता होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन श्रीलंका में, और पाकिस्तान में भी वैसी कोई सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व आप देखें और पाकिस्तान की हालत क्या है,
तो और पॉलिटिकल इशू आप देख सकते हो, करंट सिचुएशन जिस तरीके से इमरान खान मतलब बोले जा रहे हैं, इमरान खान अगर मेरे हिसाब से अगर अगला इलेक्शन हारते हैं तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा गृह युद्ध होगा, क्योंकि इमरान खान ऐसा जनता को भड़का रहे हैं, अगर वो इलेक्शन हारे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो इलेक्शन होगा उसको बोल देंगे कि ये मतलब फ्रॉड हुआ है, जानबूझकर जिताया गया है, इमरान खान को जानबूझकर हराया गया है, इस तरीके के हालात पाकिस्तान में आएंगे। तो इसी बात को लेकर आप देख सकते हो कि मेजर गौरवारे ने बोला कि पाकिस्तान में अगर कोई सेंसेबल बंदा अभी लगा है पिछले 3-4 साल में जो कुछ अच्छी बातें कर रहा है पाकिस्तान के लिए, वो है जनरल कमर जावेद बाजवा। और जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हों। आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब इंटरेस्ट जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है या इसके पीछे स्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, वो इंटरेस्ट दिखा रही है कि किसी न किसी तरीके से भारत के साथ व्यापार चालू किया जाए, क्योंकि ये उनकी अब मजबूरी बन चुकी है, बहुत हालात खराब है पाकिस्तान में। दोस्तों ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद